हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग कनेक्शन। आज की रेसिपी है भिंडी मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 15 से 20 भिंडी ले लिया था और उसे साफ पानी की मदद से ऐसे साफ कर लेंगे। आप कोई भी सब्जी बनाते हैं उसे अच्छे से पानी से धो के साफ करके ही बनाएं, क्योंकि सब्जी में बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो कोई भी सब्जी बनाने से पहले उसे अच्छे से पानी से साफ करें, तभी उसे बनाएं। फिर मैंने भिंडी को इस तरह से अपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और बीच से इसे इस तरह से चाकू की मदद से काट लेंगे। भिंडी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये वेट लॉस में मदद करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, ये आँखों के लिए भी मददगार होता है और ये हमारे स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके चलते ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भिंडी का सेवन लाभकारी होता है। इसे हम बहुत सारे तरीक़ों से इसे हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने भिंडी का मसाला तैयार किया। इसमें मैंने लिया था सरसों, मिर्च, लहसुन और अदरक। इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। फिर एक मैंने पैन लिया था और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल लिया था। फिर मैंने इसमें ऐड किया था हींग, जीरा। इसे हल्का चटकने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और मिर्च। जब प्याज और मिर्च हल्का सुनहरा हो जाए तो हम इसमें कटे हुए भिंडी के पीसेस को ऐड करेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर ढक के पकने देंगे और हम अपने गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा हल्का पक जाए तो हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का पक चुका है, तो मैंने इसमें मसाला ऐड किया था। इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। मसाले में मैंने ऐड किया था हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। फिर इन सबको चम्मच की मदद से मिला लेंगे और इसे गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे। जब ये हल्का पक जाए तो हम इसमें मैंने जो मसाला बताया था उसे ऐड करेंगे। फिर उसे भी अच्छे से मिला लेंगे और भिंडी और मसाले दोनों को एक साथ पकने देंगे ताकि इसमें मसाला का कच्चापन ना रहे। फिर जब हल्का मसाला भुन जाए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने हल्दी थोड़ा कम डाला था तो फिर मैंने इसमें बाद में हल्दी पाउडर ऐड किया था। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पक चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। Hey, that's all in this video. Hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon and like the video and share it to your family and friends. That's it. Bye bye. Take care and see you in the next video.